तो आज आपको हम सिखाने वाले हैं चीपेस्ट स्टंट बाइक आप कैसे बना सकते हैं। भाई क्या कैसा चला रहा है। वोहो भाई लेट्स गो गाइस, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं आप लोग को। हम भी जा रहे। ओ भाई, ओ वाज इट लाइक ओ उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओ भाई क्रेजी। ओ वू लेट्स गो वू। ओ ओ अरे अरे वाह वाह। चलो भाई कहाँ गए जा तेरा भाई। चलिए जो भी भाई, लेकिन ये हम लोग का वीडियो देखता है। बात तो सही है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फिनिटी राइडर्स एंड ही बी बैक विद अनदर क्रेजी वीडियो। जैसे कि हम लोग का वीडियो अजीब तरह का स्टार्ट हुआ। हम लोग को कॉम्पिटिटर मिल गया था रास्ता पे। कोई बात नहीं, चलो अभिषेक से मिलते, उसके बाद टॉपिक बताते। ओ सॉरी, टॉपिक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा थंबनेल देख के। लेट्स गो गाइस। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट मुर्शिद है, हमें अभिषेक है, आज आप लोग के लिए नया एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। बट वो जो टॉपिक है जो हम लोग थंबनेल में डालेंगे वो थोड़ा बहुत चैलेंजेस करने के बाद हम लोग डालेंगे। तो गाइस अगर आप लोग न्यू है चैनल में तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलो मुर्शिद, पहला चैलेंज हम लोग चालू करते हैं। कौन कितना सर्कल रिलीज मार सकता है। चलिए ठीक है, ठीक है पहले तुम जाओ। तो एक साथ मारेंगे। चलिए चलो, एक दो तीन चार। आई बात ही बाबा, देखे देखे ही बाबा बहुत गंदा लग गया। रुक जरूर रुक जरूर, बहुत गंदा लग गया। अरे बहुत है। अरे हम जीत गए। लेकिन नहीं जीते तुम, हम जीत गए। तुम तो सामने आ गए थे मेरा। नहीं हम सामने नहीं, आप मेरे पीछे आ गए। अभी यूनिक कुछ करते हैं ना हम लोग, जिसे साइकिल चला रहे हैं हम लोग कुछ यूनिक तरीके से साइकिल चलाते हैं ना। देखोगे ये वाला ट्रिक हम 2013 में करते थे, अभी हम फिर से ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन मेरा पैंट गंदा हो जाएगा। कोई बात थोड़ी नहीं आएगा। अरे भाई वो टान पड़ रहा है। ओ भाई ये क्या, ये क्या था। गाइस हम लोग चैलेंज कर रहे हैं आप लोग को, आप लोग को जाके वाला ट्रिक ट्राई करिए एंड हमको इंस्टाग्राम में जाके टैग करना, हम सबका रीशेयर करेंगे ठीक है। अब क्या तुम क्या देख रहे हो, तुम भी करोगे अभी। हमसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। अरे ओ ओ भाई सही सही जाएगा जाएगा जाएगा। ऐ साला, ऐ नो हैंड, ऐ तेरा। भाई बहुत खतरनाक लग रहा है यहाँ पे। चलो अभी तुम्हारा बारी आए, तो सर्कल मारो पहले, सर्कल मारो। भाई क्या कैसा चला रहा है देखो। अब नो हैंड छोड़ो, नो हैंड छोड़ो, पैग में आओ, पैग में आओ। हाँ सीट पकड़ो, एक तो हाथ तेरा, एक हाथ सीट में आ जाएगा फट से, नहीं तभी तो बैलेंस होगा। चलो 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 चलो। हाँ अब हल्का से उठाने का ट्राई करो। 12 seconds later. So, अभी चलते हैं वीडियो के अंदर, जो चीज के लिए आप लोग कितने से वेट कर रहे थे। आज का टॉपिक जैसे कि है चीपेस्ट स्टंट बाइक आप कैसे बना सकते हैं। क्या अड़बड़ बक रहे भाई, चीपेस्ट स्टंट बाइक भी 3 lakh का, क्या बोल रहे, हट। ये है चीपेस्ट बाइक। ओह सॉरी माय फॉल्ट। तो आज आपको हम सिखाने वाले हैं चीपेस्ट स्टंट बाइक आप कैसे बना सकते हैं। माय नेम इज शेख वाजिद अली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग न्यू है चैनल में तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो आज का वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि एक चीपेस्ट स्टंट बाइक बनाने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज का जरूरत है, उसके साथ साथ आप मार्केट अवेलेबिलिटी क्या रहता है उसका हिसाब से आप कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या सामान आपको इजिली मिल जाएगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, कैसे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कैसे नहीं करना पड़ेगा, ये सब आज का वीडियो में हम ऐड करने वाले। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। जैसे कि जो लोग नया है ये स्टंट राइडिंग फील्ड में, आप लोग को पहले एक चीज बता देते हैं कि रेडीमेड स्टंट बाइक नहीं बिल्ड होके आता है, हम लोग को खुद मॉडिफाई करके एक स्टंट बाइक बनाना पड़ता है। बहुत जन सोचते हैं भाई कौन सा साइकिल में स्टंट अच्छे से कर सके, इसमें स्टंट अच्छे से कर सके, ऐसा कोई बात नहीं, आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे से। हम ये बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सा साइकिल रेकमेंडेड है स्टंट राइडिंग के लिए, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना एंड अच्छे से देखना, पहले डिटेल समझना पड़ेगा आपको एक अच्छा स्टंट बाइक बनाने के लिए, वरना आप सही से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करता है एक स्टंट बाइक बनाने के लिए वो की है फ्रेम। जैसे कि ये फ्रेम है फायरफॉक्स वाइपर का, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड बिकॉज ये ब्रांड भी हम लोग को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता है, ये मजबूरी है हम लोग का ये फ्रेम यूज करने का, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड इन दिस वीडियो। फ्रेम का रिक्वायरमेंट्स हम लोग को क्या होता है,
हम लोग को जितना लो होगा उतना अच्छा आप ट्रिक्स कर सकते हैं। फ्रेम साइज होना चाहिए वो 13, 14, 15 इंच होने से ही बेस्ट होता है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड जो आपको वही यूज करना है। स्टंट राइडिंग हम पहले 17 इंचेस, 18 इंचेस फ्रेम साइज पे किए हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टंट्स नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपका इक्विपमेंट्स में ताकि आप अच्छे से फ्रेम साइज में कर सके, बट अगर आप लेवल अप कर रहे हैं तो आपको फ्रेम साइज थोड़ा छोटा होने से आप बहुत सारा एक्स्ट्रा ट्रिक्स एंड बहुत हाई लेवल ट्रिक्स आप इजिली कर पाएंगे। फ्रेम अगर आपको एल्युमिनियम का मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बट अगर आपको लोहा का मिलता है इट्स नॉट अ बिग डील। आप पहले लोहा का फ्रेम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि आपका बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप बाद में जब एल्युमिनियम फ्रेम पे जब शिफ्ट करेंगे आपके लिए बहुत इजी होने वाला होगा। हम भी लोहा फ्रेम से सीखे इसलिए मेरे लिए बहुत सारा ट्रिक्स इजी होता है। तो अभी चलते हैं फोर्क पे, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आफ्टर द फ्रेम। जैसे कि स्टॉक साइकिल में जो फोर्क आता है जो कि जूम का होता है, बहुत सारा लोकल कंपनीज का भी फोर्क होता है, ऐसा नहीं कि आप उसमें स्टंट्स नहीं कर सकते, आप इजीली उसमें भी कर सकते हैं चालू, बट बाद में आपको जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि आपका साइकिल और भी हल्का हो सके, क्योंकि वो सब फोर्क लोहा का बना हुआ रहता है और आपको एल्युमिनियम फोर्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाद में जब आप हाई लेवल ट्रिक्स करेंगे। 6,000-8,000 के अंदर आपको अच्छा फोर्क मिल जाए, XCM फोर्क जो आता है, XCT भी आता है, XCT भी बहुत अच्छा फोर्क है, XCR भी अच्छा फोर्क है, आप वो सब पे ऑप्ट कर सकते हैं। फोर्क्स दो तीन तरीका का आता है, जैसे कि पावर ब्रेक्स का सिस्टम के साथ आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिस्टम के साथ आता है, एक एक फोर्क आता है कि उसमें दोनों सिस्टम होता है। आपको फोर्क खरीदने के टाइम आप तो ये नहीं सोचेंगे कि आपको बार बार फोर्क चेंज करना पड़ेगा, आपको फोर्क देख के चुनना पड़ेगा ताकि आपके लिए जो सूटेबल है आप वही फोर्क खरीदिए। क्योंकि अगर आप अभी सोचेंगे कि आपको पावर ब्रेक यूज करना है तो आप पावर ब्रेक यूज कर रहे हैं, पर अगर आपको बाद में हाइड्रोलिक ब्रेक में शिफ्ट करना रहा तो आपको फिर फोर्क चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सोच के खरीदना पड़ेगा कि अगर आप बाद में इंप्रूव करना चाहे, ऑब्वियसली हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर मच मच बेटर देन पावर ब्रेक्स, ये एक्चुअली आप लोगों का प्रेफरेंस है। अभी चलते हैं दूसरा चीज पे जो कि है हैंडल। हैंडल जैसे कि आपको स्टॉक बाइक में जो हैंडल आता है आप इजीली उसमें भी कर सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू गो फॉर लेंथी हैंडल, जैसे कि 750 mm हुआ या फिर 720 mm हुआ या फिर 760 mm हुआ। हम करेंटली यूज कर रहे हैं 760 mm, जो कि आपको बाइक को मॉड्यूलेट, बाइक को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू गो फॉर वेक का हैंडल बार, कंट्रोल टेक का हैंडल बार आता है। उसके साथ साथ आता है आपको शॉर्ट स्टेम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टेम आपको बाइक को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मजबूरी पे खरीद नहीं पाते, ऐसा नहीं कि आपको जो स्टॉक हैंडल आता होगा उसमें नहीं कर सकते, आप इजिली उसमें भी कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद ना आपको अच्छा सा बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ा एंड लॉन्ग हैंडल मिलेगा देन आप इजीली कर पाएंगे। सो अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि है व्हील्स। जैसे कि स्टंट बाइक सबसे बेस्ट होता है 26 इंचेस व्हील्स पे, 27.5 29er बहुत हाई हो जाता है, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स ऑन दैट बाइक। 26 इंचेस बाइक्स में ही हम लोग स्टंट्स करते हैं एंड दैट इज ओनली द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर इन द मार्केट। जैसे कि हमको सुनने में आया है मैक्सिस सुपर्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट इन 2024, बट दैट इज नॉट श्योर येट, बट अगर हमको कुछ ऐसा खबर आया तो आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। मैक्सिस सुपर्स का प्राइसेस आर वे मच हायर देन अ नॉर्मल टायर, मार्केट में बहुत सारा टायर्स अवेलेबल है, तो आप इजीली कोई भी टायर एक चुन के अच्छा वाला आप यूज कर सकते हैं विद अ नॉर्मल ट्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिस हुकम सिर्फ आपको लीन करने में हेल्प करता है। हम बहुत साल नॉर्मल टायर यूज किए उसके बाद ही हम शिफ्ट किए मैक्सिस हुकम्स में। तो अभी चलते हैं हब्स में। हब आप कोई भी नॉर्मल लोकल हब लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हब में भी डिफरेंशिएशन बहुत सारा आता है। अगर आप चाहते कि आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का भी अलग टाइप का हब आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का भी अलग टाइप का हब आता है, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू नीड। अब चलते हैं स्पोक्स पे। स्पोक्स भी आप नॉर्मली कोई भी साइकिल का लगा सकते हैं इजीली। 2018 या 19 तक हम लोकल स्पोक्स चलाए भाई, बहुत अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज दिमाग पे रखना कि जहां से आप अपना व्हील बिल्ड करेंगे व्हील अच्छे से बिल्ड करवाना, सही से टाल बनवाना, तब ही व्हील अच्छा चलेगा, वरना फिर अगर टेढ़ा बेका बना देगा, अप डाउन टाल बना देगा, देन व्हील्स अच्छे नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट चीज जो चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक्स। ब्रेक्स बहुत मैटर करता है आप लोगों को साइकिल पे, बट ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपका नीड क्या है, आप कौन सा ब्रेक यूज करना चाहते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप पावर ब्रेक यूज करना चाहते हो तो पावर ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू प्रेफर। अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक चीपेस्ट में चाहते होंगे तो आप इजीली जा सकते हैं MT200, MT400, M355, M447, वो सब आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा चीपेस्ट में। और एक चीज आपको ध्यान पे रखना है, शिमानो ब्रेक्स के लिए आपको सिर्फ रेजिन पैड सपोर्टेड वाला ही रोटर खरीदना पड़ेगा, जो कि 160 mm आता है, 180 mm आता है। पहले आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू गो फॉर 160 mm, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप पावर ब्रेक्स के लिए जाना चाहते हैं देन प्रोमैक्स का ब्रेक आता होगा, कहीं पे भी दिखता होगा, बहुत अच्छा होता है। लोहा वाला जो अलग से जो मार्केट में कम दाम में आता है वो टेढ़ा हो जाता है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। उसके साथ साथ ओरिजिनल ब्रेक पैड यूज करना ताकि आपका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए। अभी चलते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स उतना अच्छा नहीं होता है, आई विल रेकमेंड यू गाइस टू गो फॉर पावर ब्रेक्स इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, क्योंकि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स यूज कर रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स आप इजीली सीख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप हाई लेवल ट्रिक्स करने जाएंगे, जैसे कि आप रोलिंग स्टॉपी मारने जाएंगे या फिर व्हीली में 90 डिग्री मारने जाएंगे,
जाएंगे, एक हद तक ब्रेक पकड़ेगा उसके बाद आप छोड़ देगा। इससे बेटर होता है कि आप पावर ब्रेक लिए जाए, वी ब्रेक्स। बट अगर आपका लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में इजीली सीख सकते हैं क्योंकि हम भी बहुत साल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स यूज करके हम स्टंट राइडिंग सीखे हैं। तो अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, जो चीज के लिए हमको लोग पूछते ही रहते हैं हर टाइम, भाई फ्री व्हील कौन सा यूज करे, चेन कौन सा यूज करे, क्रैंक कौन सा यूज करे, पेडल कौन सा यूज करे। बहुत सारा वैरायटी का सामान आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपका बजट 700 से 800 रुपए है, आप इजीली शिमानो का फ्रीव्हील के साथ जा सकते हैं क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 300-400 रुपए में मिल जाए, उसके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो फॉर अ शिमानो फ्रीव्हील, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर गियर सिस्टम्स पे। अगर आप गियर सिस्टम साइकिल स्टॉक खरीद चुके हैं, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अलग से लगवाना चाहते हैं गियर, आप इजीली शिमानो का फ्री व्हील लगा सकते हैं। उसके साथ साथ शिमानो का चेन ही यूज करना पड़ेगा शिमानो का फ्री व्हील के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इजीली कोई भी चेन यूज कर सकते हैं गियर का। देखिए डिरेलर का भी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबिलिटी है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आप शिमानो का प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। बट अगर ये चीपेस्ट स्टंट बाइक आपको बनाना है देन ऑब्वियसली आप लोकल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सेट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं क्रैंक सेट पे। देखिए क्रैंक सेट आप इजीली कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मार्केट में आपको कोई भी सस्ता में क्रैंक सेट मिलता होगा वो वाला यूज कर सकते हैं। पेडल भी आप लोकल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करना जो आपको एल्युमिनियम पेडल्स मिले क्योंकि वो ज्यादा लास्ट करेगा, प्लास्टिक पेडल ज्यादा लास्ट नहीं करता है, टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो अभी चलते हैं बॉटम ब्रैकेट पे। बॉटम ब्रैकेट आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड बॉटम ब्रैकेट आता है जो बेरिंग के साथ फिक्स्ड वाला आता है, नॉन फिक्स्ड जो आता है जो कि बॉल के साथ लगाना पड़ता है, बॉल बेरिंग, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बजट अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अभी चलते हैं शिफ्टर पे। जैसे कि अगर आप पावर ब्रेक यूज करेंगे देन आप इजीली जो लीवर के साथ शिफ्टर आता है आप वो वाला यूज कर सकते हैं। बट अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करेंगे तो आपके लिए अलग शिफ्टर आएगा, जैसे कि आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली 300-400 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप शिमानो का ओरिजिनल खरीदेंगे तो आपको 1100-1200 रुपए में मिल जाएगा इजीली। जितना डिटेल हो सके हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कुछ मिस कर जाएंगे तो प्लीज जाकर कमेंट में बता देना, हम लोग आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे। तो अभी चलते हैं ग्रिप पे। आपको ऐसा लॉक ऑन ग्रिप्स यूज करना है क्योंकि स्टंट राइडिंग के लिए लॉक ऑन ग्रिप्स आर द बेस्ट। मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप अमेज़न पे भी इजीली मिल जाता है, फास्टफिट का आता है, आप इजीली वो वाला खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक्सेल्स हम लोग यूज करते हैं वो लंबा एक्सेल होता है, 7.5 इंच या 8 इंच का एक्सेल्स रहता है, आप वही यूज करना स्टंट राइडिंग के लिए। जैसे कि हम लोग को पेग्स लगाना पड़ता है, पेग्स जैसे कि अभी आपको मार्केट में वो भी मिल जाएगा इजीली, बट एल्युमिनियम का पेग्स मिलना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम पे। अगर आपको मार्केट में एल्युमिनियम का पेग्स कहीं से मिल जाता है देन आप इजीली खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको नहीं मिलता है देन आपको सस्ता जो आता है लोहा का वो वाला यूज करना पड़ेगा जो कि बाइक बहुत भारी कर देता है। पेग्स हम लोग किस चीज के लिए लगाते हैं, हैंग पाइप मारने के लिए या फिर पेग व्हीली मारने के लिए? अगर आप व्हीली शॉप भी सीख रहे हैं तब आपको पेग का जरूरत नहीं है। सो गाइस इसमें हम 2-3 पार्ट्स के बारे में बोलना भूल गए थे, सीट, सीट पोस्ट एंड रिम्स। सीट के बारे में जो डिटेल्स है वो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसके लिए अलग एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं इजीली, आपको पता चल जाएगा कैसा मॉडिफाई करना पड़ेगा स्टंट राइडिंग के लिए सीट। एंड सीट पोस्ट आप कोई भी नॉर्मली मार्केट से खरीद सकते हैं, क्लैंप वाला आता है, एक तो फिक्स्ड वाला आता है, वो भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिम आप मार्केट से कोई भी एक डबल वॉल अलॉय रिम खरीद सकते हैं, आप अगर वो रिम को अच्छे से बिनेंगे तभी वो रिम अच्छे से लास्ट करेगा, वरना रिम बार बार टेढ़ा हो जाएगा। तो अभी आपको स्क्रीन में दिखता होगा ये सब साइकिल जाके आप परचेस करके उसको अच्छे से मॉडिफाई करके स्टंट्स के लिए बना सकते हैं। अगर ऐसे टाइप का आपको मार्केट में और भी साइकिल्स मिलता है आप उसको परचेस करके अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। 10 seconds later जा तेरा इसका चक्का खुला हुआ बनी अब बनी हो। तो जैसे कि हम लोग का अभी शूट खत्म हो चुका है, जैसे कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज जाके लाइक कमेंट एंड शेयर, कमेंट करके बताओ डाउट्स क्या है वो भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। अगर आपके पास गियरलेस साइकिल है इसका मतलब ये नहीं आप स्टंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम गियरलेस साइकिल से स्टंट्स, व्हीली, स्टॉपी, बहुत सारा ट्रिक्स हम सीखे थे, ऐसा नहीं कि आप उस साइकिल में नहीं कर सकते। गियरलेस साइकिल में व्हीली आप कैसे कर सकते हैं उसका भी ट्यूटोरियल बना हुआ है, कार्ड में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके इजीली सीख सकते हैं। एंड गियरलेस साइकिल में अगर आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पे गियरलेस साइकिल में क्या क्या ट्रिक्स पॉसिबल है वो करके दिखाने, वो भी हम करके दिखाएंगे। उस चीज़ का भी डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, वो भी लेके आएंगे। ओए क्रेजी ओ भाई वूहू भाई, ओए यार फंस गए इसको, ओए ओ मुझे नहीं जगह नहीं उधर से, अरे यार हम भी फंस गए लेकिन जाएंगे हम इधर। सो वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बी, पीस आउट, आई पीस आउट, जा तेरा अभिषेक की होते पीस आउट, जा तेरा कर दे पीस आउट, पीस आउट।